केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौकी कनकरी और डिडवी में जनसभाएं करते हुए हमीरपुर विधानसभा के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर के पक्ष में समर्थन मांगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर सहित भाजपा हमीरपुर मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बताए कि कर्मचारियों की पेंशन बंद करने के समय प्रदेश में किसकी सरकार थी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के द्वारा भाजपा के एक इंजन फेल होने की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेहतर होता वे राजस्थान की बात करते जहां दोनों ही इंजन फेल होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पहले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में तो अब हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। जनता से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, जन कल्याणकारी नीतियों को बता रहे हैं, क्षेत्र में हुए विकास को बता रहे हैं और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता अपना अभूतपूर्व सहयोग समर्थन देगी और फिर कमल खिलाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इस पार्टी से है कि आखिरकार 2004 में किसकी सरकार थी जिसने ओपीएस वापस लिया? क्या कांग्रेस के नेता ये बताएंगे वीरभद्र जी की क्या मजबूरी थी जिन्होंने वापस उस समय लिया? कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी थी जो ओपीएस उस समय वापस लिया? और 2004 से लेकर 2022 तक कांग्रेस की दो बार सरकारें बनी तो कितनी बार इन्होंने उसको ओपीएस को वापस लागू करने का प्रयास किया? ये कांग्रेस है चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, बाद में भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आती है। सचिन जी, राजस्थान की बात करते तो बहुत अच्छा होता, वहाँ शायद दोनों इंजन ही सीज होने वाले हैं। राजस्थान में आपसी घमासान के चलते 4 साल सरकार ने पूरे राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। हर चौथे दिन किसी महिला की हत्या, किसी के साथ बलात्कार, किसी दलित या अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहे हैं। गहलोत सरकार सोई हुई, हजारों कोविड वैक्सीन खत्म कर दी गई, भ्रष्टाचार के मामले कोविड के समय भी आए। ये अपनी मुख्यमंत्री की लड़ाई में दोनों नेता पूरे राजस्थान का भट्टा बैठा कर बैठे हिमाचल को ज्ञान पीटते हैं जी। किसानों के कर्जे माफ करने की बात की थी, मैं सचिन पायलट जी से सीधा सवाल है कि अशोक गहलोत जी नहीं कर पाए तो आपने क्या किया, क्यों नहीं माफ कर पाए थे आप लोग? पंजाब में भी नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में भी नहीं कर पाए, राजस्थान में भी नहीं कर पाए। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। हिमाचल प्रदेश में भी झूठे वादे इन लोगों ने किए थे कि पक्की नौकरी देंगे, नहीं दी। कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। अब फिर मुंह लटका के आगे नए कागज भरवाने के लिए कि 1500 रुपये देंगे। अरे पिछले वायदे पूरे नहीं किए, नए कागज कहाँ से लेके आ गए? के खिलाफ बगावत करके गए, उनको नोटिस भी निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है और बड़ी गंभीरता से विषय को लिया है। सारी पार्टी एकजुट होकर जो प्रतिनिधि जिनको टिकट मिली है उनको चुनाव जिताएंगे और पूरी ताकत के साथ पार्टी काम करेगी।